ओके सो वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, कैसे हो, क्या हाल चाल? अगर ऑडियो और वीडियो सही आ रहा है कमेंट करके हाय हेलो कुछ भी बता देना, सो दैट मेरे को पता लग जाए कि ये सही आ रहा है। ओके ग्रेट, सो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ओके ग्रेट ग्रेट, आ जाओ, थोड़े लोग लाइव आ जाएं, अराउंड 50 आ गए हैं, फिर शुरू करते हैं। हाय रवि, हाय जो लोग हाय हेलो लिख रहे हैं, हाय सनशील, हाय सहज जयसपाल। ओके ठीक है, सो कमेंट आ गया कि सब सही है, ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। हाय गणेश भागल, हाउ यू? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो आज का सेशन थोड़ा लाइट रखेंगे, कुछ ऐसा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फ्लैश से रिलेटेड हो, वीडियो लाइट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं रिलेटेड टू फ्लैश लाइट, कुछ भी सब डिस्कस करते हैं। पूरा हिंदी में रहेगा तो बिकॉज आई थिंक मोस्टली लोग कंफर्टेबल रहेंगे हिंदी में, सो आई ट्राई टू गिव इट हिंदी। अगर किसी ज़्यादा कमेंट आते हैं इंग्लिश के तो इंग्लिश में कंटिन्यू कर लेंगे, बट मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में ही रखें। ग्रेट, सो 100 लोग आ चुके हैं लाइव, स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताना स्टार्ट कर दो, तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी मैंने सोचा था कि स्टार्ट करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अरेंज करी थी। सो ये रिमोट है, मैं गोडॉक्स SL60 यूज़ कर रहा था। सो एक सेकेंड, ये पहले ही हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो ये हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट की बात करते हैं जब तक लोग आ रहे हैं। एक बार मैं अपने एंड से थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखता हूँ, इसको बाद में देख लेंगे। सो अभी जो ये लाइट आ रही है कोडॉक्स SL60W, यहाँ से ही है। अब हार्ड लाइट बेसिकली अगर होता है, हार्ड लाइट में मैं जो अभी ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ, इसके आगे कुछ भी सॉफ्ट बॉक्स नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। तो ये है लाइट डायरेक्टली, सो ये लाइट डायरेक्टली जो मेरी लाइट सोर्स है उसके थ्रू आ रहा है। सो अभी जो शेडो बन रहा है ये एकदम हार्ड है, यहाँ पे लाइट है, इधर हार्ड है। सो इसको हार्ड लाइट बोलते हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है। सॉफ्ट लाइट की अगर मैं बात करूँ, मैं इस वाली लाइट को ऑफ करता हूँ। अब ये जो लाइट है, मैं विद सॉफ्ट बॉक्स 120 वाला सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड अब आप डिफरेंस देखोगे, अगर डायरेक्शनल है, ये भी डायरेक्शनल लाइट है, बट इधर बिल्कुल भी कुछ शेडो वैडो नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा था ऐसे स्टार्ट करेंगे, हार्ड लाइट वर्सेस सॉफ्ट लाइट का। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क। 80-200 एंड 80-400 में कंफ्यूज हूँ वैभव। देखो वैभव, डिपेंड करता है आपका यूज़ क्या है। अगर आप ज़्यादा आउटडोर शूट कर रहे हो और लाइट जहाँ आप शूट कर रहे हो काफ़ी हार्श है, ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा 400 बिकॉज उसका लाइट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 200। बट अगर आपको एक ऐसा लाइट चाहिए जो आप इंडोर आउटडोर इंडोर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मैं प्रेफर करूंगा 80-200, अदरवाइज 80-400 अगर पावर ज़्यादा देख रहे हो। भुवन गौर, कैन यू प्लीज टेल अबाउट डिफरेंट डिफ्यूजर्स एंड द यूज़। देखो डिफ्यूज़र, अगर हम लाइट मॉडिफायर या डिफ्यूजर्स की बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना रोल रहता है। अगर मैं लाइट मॉडिफायर्स की बात करूं, जैसे मैंने अभी हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट दिखाया था, अभी ये 120 वाला सॉफ्ट बॉक्स है, ये ज़्यादा सॉफ्ट लाइट देगा और फॉल ऑफ बहुत स्मूथ आएगा। मतलब जब लाइट मेरे इधर से, आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ हल्का सा फॉल ऑफ हो रहा है। फॉल ऑफ मतलब जो ब्राइट है और डार्क एरिया है उसके बीच में जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ होता है। तो जितना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स रहेगा उतना ज़्यादा स्मूथ या सॉफ्ट लाइट रहेगा। अगर आपको हार्ड लाइट चाहिए, कई लोगों को इंडोर पोर्ट्रेट्स में या फोटोग्राफी में हार्ड लाइट चाहिए होता है, वहाँ पे आप ट्राई करो, आपका जितना छोटा मॉडिफायर रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से हम लाइट मॉडिफायर में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको लाइट कैसा चाहिए, सॉफ्ट लाइट चाहिए आप बड़ा सॉफ्ट। अब मैं 120 लेता हूँ जब मैं वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज मुझे सॉफ्ट लाइट चाहिए। अगर मुझे कहीं डायरेक्शनल लाइट चाहिए तो वहाँ पर मैं विदाउट उसके यहाँ एकदम डायरेक्शनल लाइट लूंगा। ओके ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन TTL एंड मैनुअल फ्लैश। अब देखो मैनुअल और मैनुअल फ्लैश में क्या है, आप जो भी एक्सपोजर है फ्लैश का वो आप खुद एडजस्ट कर रहे हो। TTL में क्या होता है, TTL का फुल फॉर्म थ्रू द लेंस, जो आपका कैमरा है वो एक्सपोजर को रीड करता है एंड उसके हिसाब से वो आपकी फ्लैश को बताता है कि भाई इस एक्सपोजर के हिसाब से मुझे ये लाइट थ्रो करना है। अब मैनुअल फ्लैश में क्या होता है, उसका और कैमरा का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। फ्लैश में आपने फुल पावर डाला तो हमेशा फुल पे ही रहेगा।
आप इसको ऐसे समझ लो, जब हम कैमरा में फोटोग्राफी करते हैं हमारे पास एक मैनुअल मोड होता है, एक ऑटो मोड। जब आप ऑटो मोड पे यूज़ कर रहे हो आपका कंट्रोल कुछ नहीं है, बट ऑटो मोड में बेनिफिट क्या है कि वो अपने आप एक्सपोजर एडजस्ट करता रहता है। फ्लैश में भी यही है, TTL का मतलब है आप फ्लैश को ऑटो मोड में यूज़ कर रहे हो, तो आपको बार बार एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल आप वेडिंग में हो, रिंग सेरेमनी, कुछ भी इवेंट आप कर रहे हो, आप हर बार फ्लैश मैनुअली एडजस्ट शायद ना कर पाओ, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी मोमेंट्स हो रही हैं और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो बहुत जल्दी होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं आप मैनुअली एडजस्ट कर पाओ। वहाँ पे TTL बहुत काम आता है, जहाँ पे आप जस्ट शूट कर रहे हो और फ्लैश अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं शायद काफ़ी क्वेश्चन मिस कर चुका हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं वॉइस का इशू है, माइक मेरे पास है तो होना नहीं चाहिए, लेट्स सी। अच्छा, और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सॉफ्ट बॉक्स, यह सॉफ्ट बॉक्स मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है, मैं एक बार ये दिखा देता हूँ। सो ये फ्रेम में ही कवर नहीं होगा बिकॉज ये 120 है, सो ये थोड़ा बड़ा है बट काफ़ी सही है। वीडियो अगर आप करते हो बहुत सही इन्वेस्टमेंट है अगर आप इसमें करते हो। बेस्ट फ्लैश फॉर A7 III सोनी, या फ्लैश डिपेंड करता है आप कौन सी देख रहे हो, V1 भी अच्छी है, 860 भी देख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज़, आप ऑन कैमरा ले रहे हो ऑफ कैमरा। तो यार अभी कुछ कैमरा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लाइटिंग के बारे में रखते हैं बिकॉज ये चीज़ें तो हम अपने इंस्टा पे भी कर सकते हैं, अभी हम गोडॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं तो ट्राई करते हैं जितना लाइटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस कर चुके हैं कर सकें वो बेटर रहेगा। आउटडोर शूट के लिए कौन सा फ्लैश, निकॉन बॉय आकाश। देखो यार आउटडोर के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी हम आउटडोर फ्लैश क्यों यूज़ करते हैं, हमारा जो अवेलेबल लाइट है बाहर वो बहुत ज़्यादा है सनलाइट, उसको अगर आप काउंटर करना चाह रहे हो तो आप ट्राई करो जितना ज़्यादा फ्लैश का आउटपुट रहेगा या लाइट का वो ज़्यादा बेटर है। तो 400 600 कौन सा इन्वेस्ट करना है वो आपको ये देखना पड़ेगा, आप किस सिचुएशन में क्या शूट कर रहे हो। अब मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये TT685 है, इसको मैं आउटडोर यूज़ करूँगा तो उतना पावरफुल थ्रो नहीं आएगा जितना शायद AD200 का है, तो सिमिलरली 400 का ज़्यादा होगा। तो अगर आप एकदम ओवर पावर करना चाह रहे हो सन को तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर है आउटपुट है फ्लैश का वो बेटर है। हाउ टू डिफ्यूज मैनुअल फ्लैश विदाउट डिफ्यूजर, यार ये बाउंस आप यूज कर सकते हो, बाउंस अगर आपके पास ऊपर अवेलेबल है, जहां अगर रूफ है, छत है, कुछ भी है जहां से आप बाउंस कर सकते हो, नहीं है तो साइड में वॉल्स होती हैं, वॉल के थ्रू आप बाउंस करा सकते हो। लाइक फ्लैश को बाउंस कराना एक बहुत सही तरीका है अगर आप अच्छे से मास्टर कर लो ना, शायद आप अगर फोटोग्राफी के टर्म्स में बात कर रहे हो तो एक तरह से आप डिफ्यूज़र भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एक दीवार आपके पास इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है जितना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स आप कैरी नहीं कर सकते, उसको यूज़ करके आप बहुत सही यूज़ कर सकते हो। हाउ टू कंट्रोल बैक लाइट, ठीक है बैक लाइट की बात करते हैं। अब बैक लाइट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सिचुएशन की अगर हम आउटडोर्स हैं तो पीछे से सनलाइट आ रही है, उसको काउंटर करने के लिए आपको आगे से लाइट इतना थ्रो करना पड़ेगा कि आपका जो बैक लाइट है उसको आप, अगर आप उसको ओवरकम करना चाह रहे हो तो उसका आउटपुट पीछे से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको मीटरिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको लाइट ट्राई करना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना रहे, ताकि आपका जो बैक लाइट है आप उसको ऐसा ना हो, बिकॉज बैक लाइट में क्या होता है अगर लाइट सोर्स भी आ रहा है ओवर एक्सपोज हो जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको ओवर एक्सपोज नहीं करना बिकॉज कई फोटोज़ में वो देखने में अजीब लगता है, तो आगे से लाइट इतना दो कि वो उसको खत्म कर दें, बहुत हल्का सा लाइट छोड़े बैक लाइट का, बिकॉज बैक लाइट एक अलग सा चार्म देता है इमेज में जो सिर्फ आगे की लाइट उतना नहीं दे पाएगी। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। स्नैप शूटर, कैन यू कंपेयर AD200 Pro एंड AD200। यार अभी तो लॉकडाउन है, खत्म होता है, मैं ट्राई करूंगा, अगर कंपैरिजन हो सके आई डेफिनेटली डू इट। और क्वेश्चंस देखते हैं। फोटोग्राफी स्टूडियो बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर मैं कोडॉक्स पे हैं तो हम लाइटिंग की बात करेंगे कि आप लाइटिंग में क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। इंडोर में अगर आप पोर्टेबल लाइट देख रहे हो AD200 बहुत सही है,
बिकॉज उसको आप बाहर भी ले जा सकते हो, इन अ वे वायरलेस है, मॉडिफायर्स आप बहुत सारे लगा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा लाइट आप चाहे दो भी ले रहे हो, मॉडिफायर्स इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडिफायर्स हैं। स्मूथ ले सकते हो, 90 डिग्री, 90, 120, ये सारे सॉफ्ट बॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करो। बिकॉज लाइट मॉडिफायर से आप लाइट को जितना प्ले कर सकते हो ना, नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो, प्रैक्टिस से ही आएगा। गाइड नंबर क्या होता है? ओके, नरेंद्र कुमार, गाइड नंबर मैं बेसिक बता देता हूँ बिकॉज ज़्यादा टेक्निकल जाएंगे तो शायद कुछ लोगों को। सो गाइड नंबर क्या होता है? जैसे किसी भी फ्लैश का जितना गाइड नंबर है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो या उसका बेनिफिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं यहाँ से 10 फीट में मेरा सब्जेक्ट है, मैं वो शूट कर रहा हूँ, तो गाइड नंबर का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इन फीट मल्टीप्लाइड बाय एपर्चर। तो अगर मेरा सब्जेक्ट 10 फीट में है और मैं F4 पे शूट कर रहा हूँ, तो अगर मेरी फ्लैश का गाइड नंबर 40 है तो वो उसको अच्छे से एक्सपोज कर पाएगा। अगर गाइड नंबर 80 है तो मैं 10 फीट के डिस्टेंस पे अगर सब्जेक्ट है तो मैं F8 तक जाके वहाँ प्रॉपर एक्सपोजर ले सकता हूँ। तो गाइड नंबर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिस्टेंस इन फीट्स मल्टीप्लाइड बाय आपका जो अपर्चर नंबर है। अब आपकी फ्लैश जितना ज़्यादा गाइड नंबर होगा उतना आप ज़्यादा डिस्टेंस पे और ज़्यादा अपर्चर नंबर पे शूट कर पाओगे। तो अगर आपको चाहिए, आप ग्रुप फोटोज़ जब लेते हो, आपके अगर जो ग्रुप है वो 10 फीट पे है, अगर आप 40 गाइड नंबर की फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो वो 4 F4 पे कर पाओगे। F8 पे शूट करना है, 80 गाइड नंबर है तो आप F8 पे कर पाओगे। तो वो डिफरेंस आता है गाइड नंबर का, जितना ज़्यादा गाइड नंबर हो उतना बेटर रहेगा। अच्छा, जो भी प्राइसिंग या वारंटी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप DM कर देना है, जो भी वो गोडॉक्स टीम आपके साथ खुद कम्युनिकेट कर लेगी। मैं यहाँ पे जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ एज अ फोटोग्राफर, बिकॉज हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप भी फोटोग्राफी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो जितना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाउ टू कंट्रोल बैक लाइट वेन द सनलाइट इज टू हार्ड? देखो, इसमें क्या होता है, जब आपकी बैक लाइट बहुत हार्ड हो रही है ना, पहला चीज़ क्या है, अगर आपके पास लाइट इतना नहीं है, आप लाइट नहीं कैरी कर रहे हैं, इतना पावरफुल नहीं है, आप ट्राई करो कि जो आपका बैकग्राउंड है वो ओवर एक्सपोज ना हो। अब ओवर एक्सपोज कैसे अवॉइड करोगे, कि आप फ्रेमिंग ऐसा लो कि आपका जो स्काई बहुत ओवर एक्सपोज ना है, या तो थोड़ा टॉप एंगल ले लो, ऐसे कर लो कि आपका जो हाईलाइट एरिया है पीछे का वो कितना कम हो सकता है उतना करो। दूसरा तरीका, अगर आपके पास लाइटिंग है, आप पहले एक्सपोजर लो बैकग्राउंड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पीछे बहुत ब्राइट एरिया है, मेरा कोई शूट कर रहा है, तो जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से मैं एक्सपोज करूंगा, मैं ट्राई करूंगा वो मेरा जो हिस्टोग्राम है वो पीक पे ना जाए, तो मैं उसको एक्सपोज ऐसे करूंगा कि वो एकदम हाईलाइट्स बाहर ना जाए मेरे हिस्टोग्राम से, उसका एक्सपोजर एडजस्ट करूंगा। फिर मैं एक फोटो लूंगा, सब्जेक्ट ऑब्वियसली डार्क आएगा, फिर सब्जेक्ट पे मैं लाइट थ्रो करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक मेरा सब्जेक्ट स्टैंड आउट नहीं करता मेरे बैकग्राउंड से। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन को आंसर करता है। तो ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं। अच्छा, पराग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, फ्लैश कब यूज़ करना चाहिए? देखो, हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, कई बार हम फ्लैश लेके चल रहे हैं तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम फ्लैश यूज़ करते जाएं, हमें चाहे जो भी सिचुएशन हो हम फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है हम लाइट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है, जहां आपका जो हमने बैक लाइट वाला डिस्कस करा, मेरे पीछे लाइट इतना है कि मेरा सब्जेक्ट डार्क आ रहा है, तो वहां पे मुझे आगे से लाइट थ्रो करना ही पड़ेगा। दूसरा यूज हो सकता है जब आप क्रिएटिव लाइटिंग कर रहे हो, अभी मेरे ऊपर अच्छा खासा लाइट आ रहा है, अब मैं इसको कैसे क्रिएटिव बना सकता हूँ, मैं पीछे से एक लाइट ऐसा दूंगा जो मेरा एक आउटलाइन बना सकता है, या एक रिम लाइट दे सकता हूँ, या हेयर लाइट दे सकता हूँ। वो आपका क्रिएटिविटी जब आप ज्यादा करना चाह रहे हो अपनी फोटोज में, आप तब यूज कर सकते हो। तब अगर आप आउटडोर्स हो, आपका सब्जेक्ट एकदम सही है, सब सही एक्सपोजर आ रहा है, बट आपको लग रहा है कि फ्लैश का मैं क्या करूं, आप फ्लैश को एज अ आर्टिफिशियल सन भी आप बना सकते हो। पीछे से आप उसका जेल लगा के येलो कलर की लाइट दे दो तो वो ऐसा लगेगा कि सन की लाइट आ रही है। तो वो क्रिएटिविटी का कुछ एंड नहीं है, आपको बहुत क्रिएटिविटी अपने एक्सप्लोर करना पड़ेगा एज अ फोटोग्राफर, बट ये दो तीन सिचुएशन है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। ओके, कई क्वेश्चंस हैं मोबाइल फोटोग्राफी और तो उसका हम इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ लाइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी टू से दैट, बट अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ हम लाइटिंग के बारे में
जितना हो सकता है डिस्कस कर रहे हैं तो करते हैं। हर्शल फोटोग्राफी कंटिन्यूअस एंड स्ट्रोब लाइट, अगेन बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज ये क्वेश्चन ना मेरे को स्पेशली फूड फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में लोग बहुत पूछते हैं कि हम कंटिन्यूअस लाइटिंग लें या हम फ्लैश लाइटिंग लें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं वीडियो कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं कंटिन्यूअस लाइटिंग यूज़ करूँगा, फ्लैश लाइट मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज मुझे कंटिन्यूअस लाइट चाहिए। अब प्रोडक्ट या फूड में अगर आप जा रहे हो, ये मैंने कई लोगों को देखा है वो कंटिन्यूअस लाइट ही अभी भी प्रेफर करते हैं, बट अगर 8200 बहुत सही एग्जाम्पल है। उसमें क्या है, आपके पास कंटिन्यूअस लाइट भी है, आप वो मॉडलिंग लाइट बोलते हैं उसे, तो आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं शूट कर रहा हूँ, ये 8200 है जिससे कंटिन्यूअस या मॉडलिंग लाइट आ रहा है, तो मैंने देख लिया कि मेरे को ये लाइटिंग मिल रहा है। अब जब मैं शूट करूंगा, मुझे शूट करने से पहले ही पता है कि मेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा। ये 8200 या जो भी आगे लाइट्स हैं जिनमें मॉडलिंग लाइट है, वो बहुत सही फीचर है कि आप शूट करने से पहले देख पा रहे हो कि क्या लाइटिंग आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर मैं फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेफर करूंगा फ्लैश लाइट या स्ट्रोब, जहाँ पे वो मुझे बेटर रिजल्ट देगा। कंटिन्यूस लाइट मैं यूज़ करूंगा जहाँ मेरा वीडियो का ज़्यादा काम है। अब सबका अपना प्रेफरेंस होता है, मैं अपना प्रेफरेंस और व्यू शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो और देखते हैं लाइटिंग के क्या क्वेश्चंस हैं। रिव्यू ऑन 8300 प्रो विवेक, मैंने अभी गोडॉक से, अभी लॉकडाउन है मैंने बताया, तो मैं अभी ट्राई नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट्स, बट जैसे ही पॉसिबल होगा आई विल ऑब्वियसली ट्राई इट। कैन आई यूज, अच्छा डे सुभजीत डे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैन आई यूज फ्लैश इन स्ट्रीट फोटोग्राफी? ऑब्वियसली बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप फ्लैश से स्ट्रीट फोटोग्राफी में ले सकते हो। आप रियर कर्टन सिंक के बहुत सही फीचर होता है फ्लैश में। अब होता क्या है, बाई डिफॉल्ट जब आप फ्लैश चला रहे हो, जब आप क्लिक करते हो कैमरा, तो जैसे ही शटर ओपन होता है फ्लैश होती है, फिर शटर बंद होता है। अगर आप 1 सेकंड का शटर ले रहे हो तो फ्लैश शटर ओपन होते ही फ्लैश फायर हो रहा है। रियर कर्टन सिंक में क्या होता है, फ्लैश शटर खुला जैसे ही बंद होने वाला होता है तब फ्लैश होती है। उसको आप बहुत क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। आप अगर 1 सेकंड का शॉट ले रहे हो तो आपने कैमरा पॉइंट करा एंड 1 सेकंड तक आप जैसे मूव कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे आके आपका फ्लैश फायर होगा और वो मोशन के साथ फ्लैश फायर होके बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। चाहे आप प्री वेडिंग में भी जो लोग करते हैं ट्राई करना, इवेंट्स में, स्ट्रीट में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप स्ट्रीट में फ्लैश नहीं कर सकते हैं या कहीं, वो सब आपके ऊपर है। ऑब्वियसली स्ट्रीट में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके, शैडो विद सन मिक्स कंडीशन, हाउ टू कुशल, हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट थ्रू अ डीएसएलआर एंड वन मैनुअल फ्लो फ्लैश? देखो यार, एक लाइट से आप बहुत, मतलब बहुत सही पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। अगर आप अभी घर पे भी हो, आप सेल्फ पोर्ट्रेट ट्राई कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक फ्लैश है आपके पास, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम फ्लैश को हमेशा ये सोचते हैं कि हमने फ्लैश ऐसे किया और हम फायर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, वो आपको बहुत हार्ड रिजल्ट देगा। कई लोग प्रेफर करते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज़, मैं इसको बाउंस करूंगा, ऊपर से बाउंस करा सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आप थोड़ा क्रिएटिव लाइटिंग करना चाह रहे हो, आप अगर ये मेरी फ्लैश है, मैंने इसको ऊपर से नीचे लाया एंड यहाँ मैं वॉल से बाउंस करा सकता हूँ। वॉल से बाउंस होके आपको एक साइड से लाइट मिलेगी बट थोड़ा सॉफ्ट लाइटिंग मिलेगा। आप बैक लाइट सिलोवेट्स बना सकते हो, आप बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हो एक लाइट से। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। कभी ये मत सोचो कि एक फ्लैश है तो मैं कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकता। एक फ्लैश से भी बहुत सही मतलब आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। साइड लाइट करना, एक, अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके पास एक फ्लैश है, एक बार सीधा रखो, एंगल चेंज करते रहो, कम से कम 360 डिग्री राउंड लो और कम से कम 20 फोटोज लो हर एक डिफरेंट एंगल पे, और आपको हर फोटो में लाइटिंग अलग मिलेगी। स्पेशली जब आप थोड़ा साइड में जाना शुरू करोगे और पीछे की तरफ, बिकॉज वहां पे आपको ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स मिलेंगे और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। खुद ट्राई करना, अभी घर पे हो लॉकडाउन में, कहीं हमें बाहर तो जाना नहीं है, पूरा टाइम है, 24 घंटे में से हम 8 घंटे भी सो रहे हैं, तो कितने बजे, 16 घंटे, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। एक लाइट भी है आपके पास घर पे, तो आप ट्राई कर सकते हो।
अब जो लोग गाइड नंबर पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल है, गूगल करना, जो भी फ्लैश है या वेबसाइट पे चले हो गोडॉक्स का, आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है गोडॉक्स SL60W फैन का। देखो यार, फैन ऑब्वियसली लाइट में है, बट मैं जो वीडियो अभी भी ये लाइट चल रही है, अभी आपको इतना नॉइस नहीं आएगा, मैं जो वीडियोस करता हूँ मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ। और मोस्टली अगर आप यूट्यूब वीडियोस या वीडियोस कर रहे हो, आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे होगे, उसमें मुझे तो नॉइस नहीं आता, तो बहुत हल्का रहेगा और वो नॉइज़ कैंसिलेशन में इजीली निकल जाता है। बट जो जिस प्राइस पे लाइट है और जो इसका आउटपुट है, मैं ये लाइट को यूज़ कर रहा हूँ और इतना प्रोफेशनल रिजल्ट आ रहा है, मैंने नहीं सोचा था पर्सनली कि इतने बजट में, इतने सस्ते प्राइस में मैं इस लाइट को यूज़ करके इतना प्रोफेशनल रिजल्ट वीडियोज़ में निकाल सकता हूँ। रूल ऑफ थर्ड्स, अच्छा काफ़ी क्वेश्चन आ गया, एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखो रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं सेंटर में हूँ। रूल ऑफ थर्ड्स में क्या होता है, ऑफ सेंटर जाते हैं, अभी मैं हूँ तो इन अ वे ऑफ सेंटर है। तो आप बेसिकली फोन में ऑन करके देख सकते हो, अपने कैमरा में आपको दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स दिखेंगी, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होती हैं, एक ये दो पॉइंट्स होंगे और ये दो पॉइंट्स होंगे। इन किसी भी एक पोजिशन पे अगर आप अपने सब्जेक्ट को रखते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉप है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ ये सेंटर हो गया, अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ ये रूल ऑफ थर्ड्स हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो ये कॉम्पोजिशन में काफ़ी काम आता है, चाहे आप वेडिंग कर रहे हो, प्री वेडिंग कर रहे हो, जहाँ आपके पास टाइम है कि आप कॉम्पोजिशन ऐसा बना सकते हो। बिकॉज सेंटर में क्या होता है, आप आसपास का सीन नहीं दिखा पाते हैं, स्पेशली जब आप वाइड एंगल में शूट कर रहे हो, आप फ्लैश के कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा ऑफ सेंटर भी रखते हो रूल ऑफ थर्ड यूज़ करके, तो आप सब्जेक्ट भी दिखा रहे हो, सब्जेक्ट का एम्बियंस भी दिखा रहे हो, सराउंडिंग दिखा रहे हो। अगर आप बीच साइड पे हो, लेक साइड पे हो, लैंडस्केप में शूट कर रहे हो, थोड़ा सा जब आप सब्जेक्ट को ऑफ सेंटर रखते हो ना, आप मोस्टली जो भी अच्छी प्री वेडिंग या जो भी फोटोज देखोगे, काफ़ी आपको सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटर या रूल ऑफ थर्ड्स में दिखेंगे। बिकॉज वहां पे आप पूरा आसपास का एरिया भी दिखा रहे हो और आप अपना कपल भी दिखा रहे हो, तो वो काफ़ी सही जाता है। संशील, व्हाट डज लाइट मॉडिफायर मीन? या देखो, जो भी लाइट के आगे हम मॉडिफायर लगाते हैं, एक नॉर्मल लाइट होता है, लाइट के आगे आप चाहे ग्रिड लगा रहे हो, स्नूट, सॉफ्ट बॉक्स, ऑक्टा, जो भी आप लाइट मॉडिफायर लगा रहे हो, जो लाइट की शेप को मॉडिफाई करता है, वो लाइट मॉडिफायर होता है। अब अलग शेप साइजेस में आता है और यूज पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैं शायद ऊपर ऊपर ही रह गया हूँ, तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। वेडिंग में जब फेरे लेते हैं, तब इफ हमारे पास डिफ्यूज़र नहीं है और मंडप भी रेड है। देखो लाइट डिफ्यूज़र, अब आप ये वाइट बैलेंस और हम लाइट को मिक्स कर रहे हैं, तो ये अगर कलर का इशू है तो वो वाइट बैलेंस में आएगा, लाइट में एक आपका वो अलग तरीके से आ जाएगा, तो इसको हम टैकल वाइट बैलेंस से करेंगे रादर देन लाइट को। थ्री पिन लाइटिंग का बताओ थोड़ा बेसिक। देखो आई थिंक आप थ्री लाइटिंग में, जो भी तीन लाइट हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, एक हमारा की लाइट रहता है, एक ये जो लाइटिंग का रूल है या जो भी है, ये बहुत पहले से है, ज़रूरी नहीं है हम जब भी वीडियो कर रहे हैं हमें तीन लाइट चाहिए। आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे, मैं मोस्टली कई बार एक ही लाइट यूज़ करता हूँ, अभी भी एक लाइट है, दूसरा लाइट मेरे बैकड्रॉप पे होगा। अब ये कॉम्बिनेशन आप अलग अलग ले सकते हो, एक लाइट आपका की लाइट होगा, जो मे बी जो एज पर द रूल्स होता है आगे से 45 डिग्री पे होगा, या अगर आप क्लॉक के हिसाब से लोगे 2 या 2:30 बजे के आसपास। दूसरी लाइट आपका फिल होगा, जो आपका इस साइड से आएगा, तो वो आपकी शेडोज को फिल करता है। बट आप अभी देखो, मैं एक सिंगल लाइट यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्शनल, और वो इतना सॉफ्ट है कि यहाँ से फिल हो रहा है और मुझे फिल लाइट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये मैं हार्ड लाइट यूज़ कर रहा होता, मैं फिर से दिखाता हूँ जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि हार्ड और सॉफ्ट लाइट क्या होता है। अब आप ये देखो, मैंने लाइटिंग चेंज किया, ये हार्ड लाइट हो गया। अब ये है हार्ड लाइट, जहाँ मैं एक लाइट को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऑब्वियसली यहाँ से फिल लाइट चाहिए होगा। तो हार्ड लाइट में क्या होता है, आपकी शेडोज बन जाती हैं इधर,
अब यहाँ पे मैंने कोई लाइट मॉडिफायर नहीं लगाया, अब यही मैं यहाँ से फिल लाइट यूज़ करता हूँ तो फिल कर रहा है, बट अगर मैं इस लाइट को जो यहाँ से हार्ड लाइट आ रही है इसको मैं रिमोट से ऑफ भी कर देता हूँ तो मुझे फिल लाइट की ज़रूरत नहीं है। तीसरी लाइट मेरे पीछे लग सकती है, हेयर लाइट हो सकती है, बैकग्राउंड लाइट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। और क्या क्वेश्चंस हैं? बाकी आप में से काफ़ी लोग फोटोग्राफी कर रहे होंगे प्रोफेशनली, कुछ आपके इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरे पास लाइट थी या नहीं थी और वहाँ पे आपको क्या इशू आया, वो कमेंट करो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा राधा देन कि मैं अपनी चीज़ें बताऊँ। सैम्पल फोटो यार अभी मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज इंस्टाग्राम लाइव है, आपको मेरी शक्ल ही दिखेगी, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जितना बेटर हो सकता है। एज अ बिगिनर फ्लैश पिच फ्लैश यार अगेन ये आपके बजट पे और यूज़ पे डिपेंड करेगा, मैं 8200 भी रेकमेंड कर सकता हूँ, मैं V1 भी रेकमेंड कर सकता हूँ, बट वो आपके यूज़ पे डिपेंड करेगा। मेरे को अगर लेना हो, मेरा बजट है, मैं शायद 8200 या 200 प्रो में इन्वेस्ट करूँगा। अच्छा मेरे को ये बता देना कमेंट करके, मैंने कुछ सोचा था अगर क्वेश्चंस नहीं आते तो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। HSS हाई नहीं TTL था मेरे पास और HSS ये टॉपिक्स थे जो मैंने सोचा था हम डिस्कस कर सकते हैं। गाइड नंबर हम कर चुके हैं, जूम फ्लैश में जो जूम होता है, फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन, अगर उस पर डिस्कशन करना है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, अगर है तो मैं कुछ बात करता हूँ, नहीं तो आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ओके, इज इट नेसेसरी टू यूज़ फ्लैश ऑल द टाइम? आई वुड लाइक मोर नेचुरल एंड रियलिस्टिक सब्जेक्ट। देखो होता क्या है, फ्लैश जैसे हम बात कर रहे थे कि फ्लैश ऐसा होता है कि हम हर जगह और हर टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कई बार वो ओवरकिल भी हो सकता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि फ्लैश कहाँ यूज़ करना है। मैं अगर अभी बाहर जाऊँ, इस टाइम पे सनसेट हो चुका है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं, लाइट बहुत सॉफ्ट है, शायद मुझे फ्लैश नहीं चाहिए, बट मैं फ्लैश के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं हाईलाइट दे सकता हूँ अपने हेयर पे सब्जेक्ट के, मैं साइड लाइटिंग दे सकता हूँ, मैं ड्रामेटिक डायरेक्शनल लाइट दे सकता हूँ। अभी सनसेट बहुत अच्छा होगा, अगर क्लाउड्स में कलर्स अच्छा आ रहे हैं, ऑरेंज कलर्स आ रहे हैं, वो आप नॉर्मली नहीं ले पाओगे बिकॉज अगर आप स्काई के हिसाब से एक्सपोजर लोगे आपका सब्जेक्ट डार्क हो जाएगा, तो आप स्काई के हिसाब से एक्सपोजर लो, सब्जेक्ट को डार्क करो, आगे से फ्लैश थ्रो करो एंड एकदम प्रोफेशनल रिजल्ट आएगा, वहाँ पे आप फ्लैश यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ आपको लग रहा है कि फ्लैश की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ड्रामेटिक लाइट नहीं चाहिए, आपको सॉफ्ट लाइट मिल रहा है, ठीक है, हर जगह फ्लैश नहीं यूज़ होती। स्टूडियो लाइट ये हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक मैं पीछे रह गया हूँ, बहुत कमेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे हैं। टॉप एंगल शॉट में TTL फ्लैश कौन से डायरेक्शन में? देखो अगर आप टॉप एंगल शॉट ले रहे हो, अब लाइटिंग, ये जो लाइटिंग सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ अब ये डायरेक्शन से लाइट लो और वो आ जाएगा। TTL लाइट का बेनिफिट क्या है? TTL बेसिकली आपके कैमरा के साथ कम्युनिकेट करके ऑटोमेटिकली फ्लैश थ्रो करेगा। अब उसमें आप बेनिफिट क्या ले सकते हो, आप ऑफ कैमरा भी TTL यूज़ कर सकते हो, आप कैमरा के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप ऑफ कैमरा यूज़ कर रहे हो टॉप एंगल हो, आप नीचे से भी लाइट दे सकते हो, आप ऊपर से भी लाइट दे सकते हो, आप डायरेक्शनल लाइट दे सकते हो, बाउंस कर सकते हो। TTL का फायदा ये है कि आपको मैनुअली, ऐसा नहीं है आप एक शॉट ले रहे हो अरे यार डार्क हो रहा है फिर पावर बढ़ा रहे हो, अब आपने एक पावर सही करा उतने में लाइटिंग चेंज हो गई, आप फिर से पावर चेंज कर रहे हो। TTL में क्या है, आप अपने ट्रिगर से भी फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन, चलो अब FEC का टॉपिक आया तो वो भी बात करते हैं, फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन क्या है। कैमरा में एक्सपोजर कंपनसेशन आपको पता होगा अगर आप प्रैक्टिकली फोटोग्राफी कर रहे हो, वो क्या करता है, जब आप सेमी मैनुअल मोड पे हो, कैमरा सब सेटिंग कर रहा है, आप कंपनसेशन एक्सपोजर कंपनसेशन से क्या करते हो कि आपकी अगर फोटो ब्राइट आ रही है आप उसको -1 या -2 कर देते हो कि वो सही एक्सपोजर है। अगर आपको चाहिए इंटेंशनली कि फोटो डार्क आ रही है आपको ब्राइट करना है, आप उसको प्लस में लेके जाते हो। फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन में भी यही चीज़ है, बहुत सिंपल है, आप फ्लैश में
मैं अगर यूज करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं वहां से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी फोटो TTL में ब्राइट आ रही है, बहुत लोगों को इशू आता है, कई बार लाइटिंग या ऐसा सिचुएशन होता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट ऐसा है कि आपका TTL में भी इमेज ब्राइट आ रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, आपका फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन माइनस में ले जाओ, पहले वन में लेके जाओ, शॉट लो, फिर भी ब्राइट आ रहा है -2 ले जाओ, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी इमेज डार्क आ रही है, आप उसको प्लस में लेके चले जाओ, +1 करके छोड़ दिया, अब फिर आप फोटो लेते रहो, आपका सही आएगा। कहीं आपको लगे कि फिर से ब्राइट डार्क हो रही है, आपके पास ट्रिगर है, आप वहां से सेट कर सकते हो, बहुत सही है, फ्लैश है, फ्लैश से एडजस्ट कर सकते हो। तो TTL आज के टाइम में फ्लैश अगर आप यूज कर रहे हो, बहुत सही चीजें मिल जाती हैं आपको। लाइट पेंटिंग, फ्लैश लाइट, देखो फ्लैश साइट से एक फ्लैश लाइट में ना एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप मल्टीपल फ्लैश बर्स्ट कर सकते हो, टेक्निकल टर्म में अभी सोच नहीं पा रहा। उसमें क्या होता है, जैसे आपने अपनी फ्लैश में सेट कर दिया कि भाई मेरा 5 सेकंड का शटर स्पीड है, उसमें मुझे 5 बार फ्लैश थ्रो करना है, तो आप सेट कर सकते हो कि 5 सेकंड का एक्सपोजर है, 5 बार मुझे फ्लैश चाहिए, तो जैसे ही आप शटर बटन दबाओगे तो 5 सेकंड में वो फ्लैश 5 बार फायर होगी। और अगर आप चाह रहे हो कि आपका सब्जेक्ट 1-1 सेकंड में पोजीशन चेंज कर रहा है और फिर आप शॉट ले रहे हो, तो आप जो फाइनल रिजल्ट देखोगे उसमें क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट आपका एक ही फोटो में आपको 5 जगह दिखेगा, तो वो क्रिएटिवली आप बहुत सही तरीके से यूज कर सकते हो। इस फीचर को एक्सप्लोर करना, अभी घर पे हो, एकदम रात के टाइम घर मतलब रूम में लाइट नहीं आएगी, ट्यूबलाइट वगैरह ऑफ कर दो, फोकस वगैरह लेके 5 सेकेंड ये ट्राई करो, 5 बार फ्लैश फायर करो, और आप देखना आपको अपनी ही अपना सेल्फ पोर्ट्रेट ले सकते हो 5 जगह पे, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है वो। ओके, अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, एक बार एंड में जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा ठीक है। जूम फंक्शनैलिटी के ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो फ्लैश में जूम का एक ऑप्शन होता है। जूम में क्या होता है, जैसे आपके कैमरा लेंस में क्या होता है, जूम लेंस में आप जूम कर पाते हो, आप 18 mm, 18-200 आपके पास है, तो आप 18 mm से 200 mm में जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उससे क्या होता है, जब आप 18 mm पे हो आपको वाइड एंगल दिख रहा है, जब आप 200 mm पे हो तो आपको बहुत नैरो एरिया दिख रहा है। फ्लैश में भी यही चीज़ होती है, जब आप फ्लैश को, फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लैश है, अगर आप लोगों के पास फ्लैश है, आप ऑन करके साथ साथ देख सकते हो, आप फ्लैश ऑन करो, आपको जूम में ऑप्शन दिखेगा, फॉर एग्जांपल आप 24 mm पे सेट करते हो, तो वो 24 mm पे जो लाइट का थ्रो होगा उस फ्लैश की, वो वाइड होगा। तो ये आप कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप 24 mm पे शूट कर रहे हो, आप फ्लैश में भी 24 mm डाल दो, अगर आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो, उससे क्या होगा, जितना आपका एंगल ऑफ व्यू है 24 mm का, लाइट भी उतने एरिया में ही थ्रो करेगा और आपको सही मिलेगा। अब इशू कहाँ आता है और कहाँ फ़ायदा है जूम का, अगर आप 200 mm पे शूट कर रहे हो, आप कैंडिडेट्स ले रहे हो, कुछ भी ऐसा शॉट ले रहे हो जो 200 mm पे है, आपने फ्लैश को 24 mm पे सेट करा हुआ है, अब आप जो आपका लेंस देख रहा है वो इतना एरिया है, बट आपकी फ्लैश जो लाइट थ्रो कर रही है वो इतने एरिया में कर रही है, बाकी का एरिया वेस्ट जा रहा है, वो आपकी फ़ोटो में आ ही नहीं रहा, और उस वजह से आपकी जो लाइट का जो थ्रो है वो वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा क्या है, जो आपकी लाइट जा रही है आप उसको कंसंट्रेट कर दो, आप मैनुअली आपने जैसे 200 mm डाल दिया, तो वो सिर्फ उतने 200 mm के एरिया में लाइट जाएगा, एक तो लाइट का आउटपुट अच्छा जाएगा, डायरेक्शनल लाइट आएगी, और आपको आपकी लाइट वेस्ट नहीं होगी, तो वहां पे आप जूम को यूज करते हो अपनी फ्लैश को। तो ये आप एक तरह से यूज कर सकते हो, जो आपकी लेंस में फोकल लेंथ है आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो, या आप इंटेंशनली अगर आप 24 mm पे शूट कर रहे हो, फ्लैश को 200 mm पे डाला, उससे क्या होगा, एक स्पॉट पे ही लाइट जाएगा। अगर आपका कपल है, वाइड एंगल शॉट ले रहे हो, आपको चाहिए कि लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, आपके पास कुछ ऐसा मॉडिफायर नहीं है, आप फ्लैश को 200 mm पे डाल दो, फ्लैश को थ्रो करो, वो सिर्फ उस एरिया पे जाएगा। तो बहुत यूज है, आपको जस्ट सोचना है, थोड़ा देखो, अंडरस्टैंड करो फंडामेंटल्स, क्रिएटिव यूज करो, बहुत सही रिजल्ट आएगा। Which is okay. Zoom feature हम कर चुके हैं डिस्कस। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सही है और ये मैंने लिखा भी था। अब एक चीज क्या होता है, किसी का क्वेश्चन है कि 200 के ऊपर स्पीड करते हैं तो एक्सपोजर का डिफरेंस आता है। देखो, पहली चीज, हम फ्लैश क्यों यूज करते हैं, आप अपने कैमरा से जब भी शॉट लोगे, आप चाहे इनबिल्ट कैमरा यूज कर रहे हो, आप अगर बिल्ट इन कैमरा फ्लैश पॉप अप करोगे,
उससे शूट करोगे आप। अभी कैमरा है आप देखना आपका 1/200 या जो भी आपका फ्लैश सिंक स्पीड है 180 200 250 250 से ऊपर शायद नहीं होगा किसी का, उसके ऊपर आपका शटर स्पीड जाएगा ही नहीं। आप खुद भी लेके जाओगे तो नहीं जाएगा। अगर आप मैनुअल फ्लैश के साथ भी लेके जाते भी हो और वो फ्लैश में हाई सिंक स्पीड नहीं है तो आपकी जो फोटो है वो पूरी सही नहीं आएगी, उसमें कुछ कुछ एरिया ब्लैक आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे टॉपिक आता है HSS का, हाई सिंक स्पीड का। हाई सिंक स्पीड क्या करता है, जब आपका जो फ्लैश सिंक स्पीड है आपके कैमरा का, मोस्टली कैमरा का 1/200 होता है, अगर आपको शूट करना है 1/500 पे, जब आप शूट करोगे आपकी फ्लैश HSS नहीं है तो आपकी फ़ोटो में वो कुछ एरिया ब्लैक या पूरी इमेज ब्लैक आएगी। उसका रीज़न यही है कि आपकी फ्लैश में हाई सिंक स्पीड नहीं है। हाई सिंक स्पीड फ्लैश में क्या होता है, फ्लैश इंटरनली मल्टीपल फ्लैशेस थ्रो करता है, आपको देखने में एक ही लगेगा, वो बेसिकली उस हिसाब से फंक्शन होता है कि आपकी शटर स्पीड अगर 1/200 से ऊपर जा रहा है तो वो फ्लैश इस तरह से थ्रो होगी कि आपके पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। तो कहीं भी आपको लग रहा है कि आपकी शटर स्पीड 1/200 आपको यूज़ करना है, आपकी इमेज अगर ब्लैक आ रही है या पूरी ब्लैक या पार्शियल ब्लैक, वो है बिकॉज आपकी फ्लैश HSS नहीं है। हम HSS फ्लैश तभी यूज़ करते हैं जब हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, हमें f1.8 पे शूट करना है, हमारी शटर स्पीड 1/1000 1/2000 जा रही है, वहाँ आपको HSS चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आपके काम आएगा हाई सिंक स्पीड फ्लैश। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। हाई सिंक स्पीड में लाइट का पावर हाफ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, हाई सिंक स्पीड में इतना वो कुछ डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, फ्लैश जूम को नरेंद्र कुमार आप ऑटो भी कर सकते हो, मैनुअली भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आप ऑटो भी डिपेंड कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है सही जा रहा है ठीक है, बट आप क्रिएटिवली आप अगर एडजस्ट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। हाई सिंक स्पीड डिस्कस हो चुका है। रियर एंड फ्रंट कर्टन सिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ध्रुव अगर आप अभी आए हो स्टिल एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। रियर एंड फ्रंट कर्टन में क्या होता है, फ्रंट कर्टन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप फ्लैश यूज कर रहे हो, जब आप शटर बटन दबाओगे, फॉर एग्जांपल आपका 2 सेकंड का एक्सपोजर है, आपका शटर ओपन हुआ एकदम तभी फ्लैश होगा, फिर 2 सेकंड बाद शटर बंद हो जाएगा। रियर कर्टन सिंक में क्या होगा, आपका शटर ओपन हुआ 2 सेकंड बाद जैसे ही बंद होने वाला है तब फ्लैश होगा। अब कुछ लोग रियर यूज़ करते हैं, कुछ फ्रंट यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या शूट करना चाह रहे हो। अगर आप कुछ क्रिएटिव शूट कर रहे हो जहाँ आपको मोशन ब्लर के साथ फ्लैश चाहिए, वहाँ आप रियर कर्टन सिंक यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, रियर कर्टन, मल्टीपल फ्लैश वाला हमने किया था, बाउंस, ये सारी चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस करो अगर आपके पास लाइट है, और शेयर करो, गोडॉक्स को टैग करना, मेरे को टैग करना, वी वुड लव टू सी आप क्या ट्राई कर रहे हो घर पे। फ्लैश फॉर मैक्रो फोटोग्राफी, देखो मैक्रो फोटोग्राफी में क्या होता है, आप जब सब्जेक्ट के इतना पास आ रहे हो सकता है आपकी लाइट ब्लॉक हो रही हो, तो एक चीज़ जो मैं इंडोर मैक्रो करता हूँ, मैं सॉफ्ट बॉक्स चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्ट बॉक्स जितना बड़ा हो, जितनी लाइट सॉफ्ट हो उतना बेटर है, बिकॉज मैक्रो में अगर आप हार्ड लाइट ले रहे हो तो शायद वो डिटेलिंग और इतना अच्छे से ना आए, तो मैं सॉफ्ट लाइट थोड़ा प्रेफर करता हूँ। बट लाइट आप मे बी एक ये मैं ट्राई करना कभी भी, अगर मेरे पीछे से लाइट है और मैं आगे आके शूट कर रहा हूँ मैक्रो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप लाइट को ब्लॉक कर रहे हो, तो मे बी मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ से मैक्रो शूट कर रहा हूँ, लाइट यहाँ से आ रहा है, बट ये लाइट सॉफ्ट है इसलिए वो हर तरह से रैप अराउंड कर लेगा और काफ़ी सटल रिजल्ट देगा मुझे। I was using 8200 with 80x80 octa, but I think I can't get the best light on the subject. Need more power. देखो एक चीज़ हम ये समझते हैं, जब हम लाइट को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी सॉफ्ट बॉक्स तो लाइट का थ्रो ज़्यादा रहेगा बिकॉज कुछ बीच में बैरियर नहीं है, बट जब हम सॉफ्ट बॉक्स चाहे ऑक्टा हो चाहे सॉफ्ट बॉक्स या जो भी आप लगा रहे हो, उससे क्या होता है, लाइट का थ्रो बढ़ जाता है, इवन हो जाता है, तो लाइट सॉफ्ट भी हो रही है बट एट द सेम टाइम लाइट का जो
इंटेंसिटी है वो भी कम होगा, कई बार एक स्टॉप दो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन कि आपका लाइट मॉडिफायर क्या है, स्पेशली जब आप आउटडोर जाओगे। इसीलिए आप ट्राई करो, अगर आप आउटडोर के हिसाब से लाइट देख रहे हो, आपको सॉफ्ट बॉक्स भी बड़ा लगाना है, लाइट मॉडिफायर बड़ा होगा, तो आप ट्राई करो जितनी पावर ज़्यादा हो सके उतना बेटर रहेगा, स्पेशली जब सनलाइट काफ़ी हार्श है। रवि, क्या 8200 को 7 फीट अम्ब्रेला के साथ यूज़ कर सकते हैं? आप कोई भी लाइट किसी भी मॉडिफायर के साथ यूज़ कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप जो किस लाइट को आप काउंटर करना चाह रहे हो। अगर आप इंडोर हो कर सकते हो, आउटडोर शायद उतना ना इफेक्टिव हो बिकॉज अवेलेबल लाइट इतना है नेचुरल लाइट की, 7 फीट के अम्ब्रेला में अगर आप लगा रहे हो तो लाइट इतना स्प्रेड हो रहा है कि उसकी पावर कम हो जाएगी, तो वो चीज़ है। मे बी आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो गोडॉक्स 200, फिर शायद सही आ जाएगा, नहीं तो आप हायर इंटेंसिटी की लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंद्रचंद शर्मा, 8400 मैरिज में स्टेज के लिए सक्सेस है क्या? हाँ, बहुत कॉम्पैक्ट लाइट है, बहुत सही है और थ्रो भी अच्छा है, स्टेज में आई थिंक सही लाइट देगा। ओके, सो आई थिंक कितना टाइम हो गया, 45 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट रखते हैं। जितने लोग अभी लाइव हैं, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप पूछो, लास्ट 2-3 क्वेश्चन लेते हैं फिर रैप अप करते हैं। एंड बाकी अगर आपके कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड या वारंटी रिलेटेड क्वेश्चन थे आप गोडॉक्स को DM कर देना, कुछ और क्वेश्चन है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे @the.photography.blogger पे मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पर बात भी कर सकते हैं। एंड ओके, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। When we are using 860 flash on high power 1/4 या 1.5, I need to repair after 450 click sometimes. यार ये प्रोडक्ट रिलेटेड है, मतलब वो मैं आंसर नहीं कर सकता, बट हाँ एक चीज़ है, अगर ये चीज़ मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ जो देख रहे हैं, कि जितना इंटेंसिटी आप ज़्यादा रखोगे फ्लैश का, उतना जल्दी आपकी जो बैटरी है वो कंजम्पशन होगा। अगर आप फुल लाइट पे ही यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो फ्लैश की बैटरी जल्दी कंज्यूम होगी, अगर कम है 1/2 या 1/4 तो थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, तो तभी आप उस हिसाब से देखना। ऐसा नहीं है आप हमेशा फुल पे करके फ्लैश आप क्लिक कर रहे हो, शटर दबा रहे हो, अगर हो सकता है कि वो लाइट 1/2 या 1/4 जा सकता है आप लेके जाओ ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक रिटेन कर सके। ओके, मौलिक सोलंकी, वन मोर क्वेश्चन, 8600B विद 120 सॉफ्ट बॉक्स फॉर आउटडोर शूट, या इतना पावरफुल है मेरे हिसाब से 120 प्री वेडिंग में चल जाएगा 600 के साथ, वो लाइट इतनी पावरफुल है। ओके ओके, लास्ट एक या दो क्वेश्चन लेते हैं। शुभम, स्ट्रीट मुझे भी लाइट लेना है स्ट्रीट में यूज़ करने के लिए, कुछ सजेस्ट करो। शुभम, अभी B1 बहुत अच्छा है, अगर आप ऑफ कैमरा देख रहे हो पोर्ट्रेट्स के लिए 8200 या प्रो मुझे बहुत सही लगता है, बिकॉज अगर आप ऐसे एरियाज में, या होता गया कई बार हम फ्लैश अगर स्ट्रीट में यूज़ कर रहे हैं आपके पास एक या दो शॉट हैं लेने के लिए, अगर आप 8200 या प्रो में क्या बेनिफिट है, आपके पास मॉडलिंग लाइट है तो आप शूट करने से पहले ही एडजस्ट करके देख सकते हो कि हाँ यहाँ ये लाइट आ रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आप शॉट लेके आप आगे जा सकते हो। तो स्ट्रीट में उसका जो मॉडलिंग लाइट का फीचर है बहुत यूजफुल रह सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं अभी जो पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, लाइफ को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आई होप इंटरेस्टिंग था, अगर आपका कुछ फीडबैक है कुछ भी है गोडॉक्स को DM कर देना, मुझे DM कर देना, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। हम मिलते हैं आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, जॉइन मी ऑन YouTube, Instagram, कहीं पे भी वहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, और अभी लॉकडाउन है मैं ये सजेस्ट करूँगा आप जितना हो सके जितनी लाइट्स आपके पास हैं इनडोर ट्राई करो, क्योंकि हम ये सोचते हैं एज अ फोटोग्राफर कि हमें कुछ असाइनमेंट मिलेगा, हम तब जाएंगे तब हम फ्लैश यूज़ करेंगे और तब हम फोटोग्राफी लेंगे और तब हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी आप अपने आप को एज अ सब्जेक्ट लो, आप अलग अलग लाइट यूज़ करो, आप एक जगह लाइट सेट कर दो, बाउंस करो, अपने ऊपर डालो, मॉडिफाइज यूज़ करो, आप देखो हार्ड लाइट सॉफ्ट लाइट क्या है,
जो मैंने अभी दिखाया, बाउंस के साथ आप देखो कि इतने डिस्टेंस पे मैं बाउंस कर रहा हूँ यहाँ से तो क्या रिजल्ट आ रहा है। इंडोर आप अभी जितने भी दिन एक्सटेंड हुआ है लॉकडाउन, खुद से ट्राई करो एंड ट्रस्ट मी आप एज अ फोटोग्राफर बहुत इंप्रूव हो सकते हो। टैग करना गोडॉक्स का मुझे एंड हम देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा इंस्टा आईडी, ओके भुवन, मेरा इंस्टा आईडी the.photography.blogger है, the.photography.blogger या कुणाल मल्होत्रा सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। ओके टेक केयर, बाय बाय।